दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा के स्टडी में। दोस्तों संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर में भूमध्य सागर में मिल जाती है। तो दोस्तों चलिए आज हम आपको नील नदी से जुड़े कुछ ऐसे ही रोचक तथ्यों के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह के वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। और आपको बता दें कि इससे पहले हमने और भी टॉपिक पर वीडियो बनाकर अपलोड किया है, तो अगर आप भी उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया है, जहाँ से क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर चैनल पर क्लिक करके आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों नील शब्द ग्रीक भाषा के नियोलोस से बना है, जिसका अर्थ नदी है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। यह कुल मिलाकर 6,650 किलोमीटर लंबी है। आपको बता दें कि नील नदी अफ्रीका के लगभग 11 देशों से होकर गुजरती है। इसमें मिस्र, सूडान, इथियोपिया प्रमुख देश हैं। इस नदी में दो सहायक नदी मिलती हैं। एक दक्षिण सूडान से शुरू होती है, जिसको व्हाइट नाइल कहा जाता है, और दूसरी इथियोपिया से शुरू होती है, जिसे ब्लू नाइल कहा जाता है। इस नदी का ज्यादातर हिस्सा मगरमच्छों से भरा हुआ है, जिसमें अफ्रीका के सबसे बड़े मगरमच्छ इसमें पाए जाते हैं। अफ्रीका के अलावा कई देश इस नदी के किनारे बसे हुए हैं, जिस वजह से इस नदी का इस्तेमाल परिवहन के लिए भी किया जाता है। 1960 से 1970 के बीच नील नदी पर असवान डैम का निर्माण किया गया था, ताकि नील नदी में आने वाली बाढ़ से बचा जा सके। प्राचीन मिस्र के पिरामिड के निर्माण में इस नदी का भी महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि निर्माण के लिए इस्तेमाल पत्थरों को नाव से ले जाना था, जो यहीं से लाए जाते थे। यह यातायात का बहुत अच्छा साधन है, खासकर बाढ़ के समय में जब सड़कों पर आना जाना मुश्किल हो जाता है। इस नदी के अंदर पानी के साथ साथ मिट्टी भी बहुत उपजाऊ है, जो आगे चलकर फसलों की उपज में मदद करती है। नील नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। प्राचीन मिस्र में दक्षिण को ऊपरी मिस्र और उत्तर को निचला मिस्र कहा जाता था। आपको बता दें कि इस नदी पर सालाना उत्सव भी मनाया जाता है, जो अगस्त के महीने में आता है, जिसका नाम है वफा ए नील। तो यही कुछ नील नदी से जुड़े रोचक तथ्य थे जो अभी हमने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह के वीडियोज देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए आज का हमारा वीडियो अब यहीं पर संपन्न होता है। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।